एक बार इस होममेड ब्लैक हेयर डाई रेमेडी को आप अपने बालों पे लगा ले आपके जितने भी सफेद बाल हैं बिल्कुल जड़ से ब्लैक में चेंज हो जाएंगे नमस्कार मैं हूँ निधि आप सबका वेलकम करती हूँ निधि किचन लाइफ स्टाइल चैनल पे दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे सब सुरक्षित होंगे तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ हेयर रेमेडी लेके आई हूँ दोस्तों बहुत सारे लोगों को सफेद बालों की प्रॉब्लम है यानी कि ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम है प्री मैच्योर ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम है तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इसके लिए बहुत ही अच्छा सा रेमेडी लेके आई हूँ वीडियो को अंत तक देखिएगा अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा पास ही दिखेगा एक छोटू सा बेल बटन उसे दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आते रहेगी दोस्तों अगर वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज एंड प्लीज लाइक कीजिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा तो दोस्तों जो भी रेमेडी मैं लेके आती हूँ ना बि कुल हंड्रेड परसेंट ये नेचुरल होता है कोई भी इससे साइड इफेक्ट नहीं होता है और इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है तो आप बेझिझक इस रेमेडी को अप्लाई कर सकते हैं अपने बालों पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और किसी भी एज वाले लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं आज की ये रेमेडी जो है इसे आपको रात भर भिगो के भी नहीं रखना है नहीं मैं आपको बता दूं इसमें मैं आंवला भी नहीं ऐड करने वाली हूँ हीना भी नहीं ऐड करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल है तो चलिए देख लेते हैं बिना देर की आज की ये रेमेडी लेट्स गो स्टार्ट इट तो दोस्तों इस रेमेडी को बना कर रेडी करेंगे कॉफी पाउडर से सबसे पहले यहाँ पे ले लेना है एक चम्मच इतना कॉफ़ी पाउडर कॉफ़ी में होता है कैफेटीन जो कि हमारे मलेनिन को करता है बूस्ट हमारे बालों पे एक डार्क कलर लेके आता है बालों को सिल्की एंड शाइनी बनाता है तो एक चम्मच इतना मैं कॉफी पाउडर ले ली हूँ नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेथी दाना पाउडर यानी कि फेनोग्रीक सीड पाउडर दोस्तों ईजीली आप घर पर ग्राइंड करके इसके पाउडर बना सकते हैं मेथी जो है वो हमारे बालों के लिए वरदान से कम नहीं है हमारे अभी सर्दियों का समय है तो बालों पर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाती है ड्राइनेस आ जाती है बालफिजी हो जाते इन सब से आपको निजात दिला सकता है ये मेथी दाना पाउडर तो इसे जरूर इस्तेमाल कीजिएगा आधा चम्मच इतना ले ली थी एक चम्मच इतना मैं दही ले रही हूं दही भी हमारे बालों पे बहुत अच्छा सा कंडीशनर का काम करता है इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है अब मैं लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करूंगी दोस्तों ये बहुत ज्यादा खास है तो पहले तो आपको इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है अगर आपको सफेद बालों की प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहां तक जो मैं बताई हूँ ना इसे भी अच्छी तरह से आप अप्लाई कर लेंगे अपने बालों पर तो बहुत अच्छा सा काम करने वाला है अगर सफेद बालों की प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पर ऐड कर देना है एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर इजिली अवेलेबल होता है मार्केट में दोस्तों चारकोल पाउडर बनाना भी मैं बहुत सारे आपको वीडियोस में बता चुकी हूँ तो आपको यहाँ पे ले लेना है चारकोल पाउडर इसे ऐड कर देना है अच्छी तरह से मिक्स कर देना है इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है और बहुत ही आसानी से ये आपको मार्केट या ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा दोस्तों ये हमारा रेमेडी बनके बिल्कुल रेडी है इसे आपको अपने धुले हुए बालों पे अप्लाई कर लेना है आधे घंटे के लिए रहने देना है बालों पे आधे घंटे के बाद आपको नॉर्मल पानी से जी हाँ दोस्तों केवल नॉर्मल पानी से आपको वॉश करना है नेक्स्ट डे आपको शैम्पू करना है आपको मैं दिखा देती हूँ ये जो ब्लैक कलर है ना ये बिल्कुल इसी तरह आपके सफ़ेद बालों पर भी आ जाएगा और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इससे कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुँचने वाला है और मैं ये भी आपको बता देती हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम में ही आप वॉश करेंगे और आपके सारे कलर चले जाएंगे बिल्कुल भी नहीं ये मार्केट वाले हेयर डाई जैसी नहीं है कि आपके बालों को भी नुकसान पहुँचाएगा या आपके बालों से एक बार में ही कलर चला जाएगा नहीं रेगुलर इस्तेमाल करने से आपके बाल परमानेंट ब्लैक हो जाएंगे और दोस्तों कोई नुकसान भी नहीं होगा बाल होंगे सिल्की एंड शाइनी वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा थैंक यू हैवे नाइस डे